जहानत में जो है ना वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स किसी से कम नहीं। वो अलग बात है कि हमारे बच्चों को ना तो अच्छे स्कूल्स मिलते हैं ना अच्छा निज़ाम तालीम, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे जो खुशकिस्मती से अच्छे तालीमी इदारों में पहुंच जाते हैं वो यकीनन अपना लोहा मनवा लेते हैं। तो इस ऐसे ही आपके स्टूडेंट को ऐसे ही एक स्टूडेंट से मिलवाएंगे। नौशहर फिरोज की एक आर्मी कैडेट कॉलेज की तालिबा है जिन्होंने सिंगापुर में आलमी रियाज के मुकाबले में चौथी पोजिशन हासिल की है फहीम, और इनका नाम है उनजा मलिक। उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। जी नाज़रीन, तो आपकी मुलाकात करवाते हैं उनजा मलिक से जो कि हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम उनजा, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो आप मुकाबला जीत कर आई हैं, इस वक्त आलमी मुकाबला है ये मैथमेटिक्स का, ये जीतने के बाद यकीनन आप बहुत ही खुश होंगे और बड़ा फखर होगा, लेकिन आपके तासुरात क्या थे जब ये विनर आपको अनाउंस किया गया, और कितने आपके कॉम्पिटिटर थे, किस तरीके से ये मुकाबला हुआ, कुछ जरा डिटेल हमारे नाजरीन को बताइए प्लीज। नहीं, हम बताते चलें कि हम जैसे हम वहाँ पर गए तो हम बहुत सारे मदद पाए हुए थे एयरपोर्ट पर, उनके साथ हमने इंटरेक्शन किया। माशाल्लाह से हमारे कॉम्पिटिटर्स तो बहुत थे, और बाकी उनकी जो हाई टेक्नोलॉजी थे, उनकी स्टडीज, उनकी हर कुछ बहुत ही डेवलप था। लेकिन पाकिस्तान भी इस मामले में कोई कम नहीं है, हमारी जहनी हालत वगैरह, हम जीनियस हैं वाकई, ताकि इसलिए तो हमने उन 36 मुल्क को कम्पीट किया। माशाल्लाह से मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया वहाँ पर जाकर। हमें जो पूरी जो उनकी जो एजुकेशन सिस्टम था वो फिजिकल पर था, कि उनके जो पजल्स वगैरह सॉल्व करवाना, उनकी पूरी मतलब जो ना उनके लिए जो सारी हमारे पास होती है ना कैपेबिलिटी, वो सारी उनकी जो फिजिकल शो हो रही थी कि वो फिजिकली कितने स्ट्रांग है। तो हमें भी ऐसे ही पहले तो इंडिविजुअल राउंड हुआ, फिर हमारी टीम बनाई गई बहुत सारे मुल्कों के साथ, जिसमें हमारे पास हर टीम में हमारे पास 6 मेंबर थे, हर डिफरेंट कंट्री का एक मेंबर था। जैसे कि जिस टीम में मैं थी, मैं एक पाकिस्तान की थी, और जो अदर 5 मेंबर थे वो अलग अलग कंट्रीज के थे। ठीक है, अच्छा, कंबोडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, मेक्सिको हो गया। अच्छा, उनसे ये बताइएगा कि आप वहाँ तक पहुँची कैसे, या आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, ये भी हमारे स्टूडेंट्स को बताइएगा, स्पेशली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो वो भी इन कम्पिटिशन्स में आना चाहते हैं और हिस्सा लेना चाहते हैं। जी, आप बिल्कुल इन कॉम्पिटिशन में आ सकते हैं, क्योंकि इनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी होती है। लेकिन जो मेरी जर्नी थी वो कुछ ऐसे स्टार्ट हुई थी, पहले मैं तो एकेडमिक कॉलेज में पढ़ती हूँ, और वहाँ पर जो हमारा ये कॉम्पिटिशन है वो हेल्ड करवाया गया, जिसके 2 राउंड होते हैं। फर्स्ट राउंड में इंडिविजुअल राउंड होता है, फर्स्ट राउंड तो ये हमारे फर्स्ट ऑफ कॉम्पिटिशन का जो नाम है वो स्मॉक सिंगापुरियन इंटरनेशनल मैथमेटिक ओलंपिक कॉम्पिटिशन, उसमें हमारे वहाँ पर वो हेल्ड करवाया गया। फर्स्ट राउंड हमने क्वालिफाई किया, देन सेकेंड राउंड के लिए हम सिंगापुर भेजे गए। माशाल्लाह से हमारा वहाँ भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। तो आप इसको जो है आपने अपने कॉलेज के मतलब प्रिंसिपल वगैरह को कहकर वहाँ पर हेल्प करवा सकती हैं, अपना अलग एक मतलब वो जो है बना सकती हैं। लेकिन जो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी उस पर करवा सकते हैं, क्योंकि हर कॉम्पिटिशन की अपनी ऑनलाइन वेबसाइट भी मौजूद है। जबरदस्त, बेहतरीन आपने बताया। अच्छा उनसे, आप नेक्स्ट मिशन क्या है, नेक्स्ट कौन से कॉम्पिटिशन में जा रही हैं, क्या टारगेट है, क्या एम किया हुआ है, जरा बताइए जल्दी से। मैं वैसे तो मेडिकल फील्ड की हूँ, लेकिन ये एक विद अपॉर्चुनिटी है कि मैंने मैथ में जाकर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, और जो मेरी जो नेक्स्ट इंशाल्लाह वो टर्की जाना है, क्योंकि वो टर्की का भी कॉम्पिटिशन आ रहा है साइंस में, तो इंशाल्लाह मैं उसमें वो पार्टिसिपेट करूँगी और अपनी कारकर्दगी जो कारकर्दगी का मुजाहरा करूँगी इंशाल्लाह, उसमें भी मेरी एक अच्छी अचीवमेंट। अच्छा उनसे जल्दी से ये बता दीजिएगा कि सिंगापुर में आप गई थी तो वहाँ पर और कितनी कंट्रीज के स्टूडेंट्स थे टोटल? सिंगापुर में जो है वो 35 से लेकर 40 तक जो है ना स्टूडेंट आए हुए थे, जैसे कि हमारे पास मेक्सिको, थाईलैंड वगैरह बहुत सारे कंट्रीज थे। हमने उनके साथ इंटरेक्शन किया, उनके साथ अपनी चीजें एक्सचेंज की, उनकी चीजें ली, और जो है वो उनके साथ बड़ा अच्छा। वेरी गुड उनजा, जबरदस्त, बेहतरीन, थैंक यू सो मच, आप जो है आपने ज्वाइन किया हमें, और बेस्ट ऑफ लक आपके टर्की के टूर के लिए जो कि आपने अभी बताया कि आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।